हाय हेलो, शब्द गला लगे। मैंने बताया था ईयरली कैपिटल एक्सपेंडिशन, साल में बजट करना मांगते हैं हम कितना खर्चा कर सकते हैं। फूड एंड बेवरेज सर्विस एंड प्रोडक्शन का बजट है, फॉर्मेट बजट फॉर्मेट है। वेरिएबल एक्सपेंसेस बोलते हैं इसको। अप्रैल टू मार्च होते हैं, ईयर एंड मार्च में ये कैटेगरी है। अप्रैल मई जून जुलाई आप कितना खर्च कर सकते हैं उसका हिसाब से। कभी फेस्टिव सीजन होता है उसका टाइम पे आपको ज़्यादा लिखना मांगते हैं, नहीं तो बाद में वो मिलना मुश्किल है। फेस्टिव सीजन दिसंबर जैसे न्यू ईयर दिसंबर का, इसमें डिटेल्स बता रहा हूँ। फ्लावर्स, क्लीनिंग सप्लाईज, पेस्ट कंट्रोल, हाउस सैनिटरी, न्यूज़पेपर, गेस्ट सप्लाई, एंटरटेनमेंट, टेलीफोन, डाटा रूम, गिफ्ट, फर्स्ट एड बॉक्स, लॉन्ड्री, लिनन, बैंड एंड म्यूजिक, उनका गाना रहते उसका भी बजट करना है। गार्बेज डिस्पोजल, गार्बेज बैग वगैरह जो लेके जाते हैं उनको पैसा देना पड़ता है गार्बेज। यूनिफॉर्म्स, ड्यूटी मील, मीनू प्रिंटिंग, हमेशा प्रिंटिंग नहीं रहता, साल में एक दो बार होता है, उसका अकॉर्डिंगली आपको जिस महीने में चाहिए वो लिखना है। प्रोडक्ट अपग्रेडेशन, जो भी नया ट्रायल वगैरह लेते टाइम पे उसका है। अदर हियरिंग आइटम, कुछ भी परचेज कैश परचेज के लिए। फेस्टिव सीजन एडवर्टाइजमेंट, इंसेंटिव, एक्स्ट्रा ड्यूटी जो करते हैं उनके इंसेंटिव, सैम्पलिंग, एलपीजी गैस, सॉलिड फ्यूल, चारकोल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब हर डिपार्टमेंट पे इसका काउंट होते हैं, तो हम कितना खर्चा कर सकते हैं वो लिखना है। क्रोकरी, कटलरी, इक्विपमेंट, यूटेंसिल्स, तंदूर साल में एक बार चेंज करते हैं, वो ये लिखा हुआ, वो इधर टोटल करके लास्ट में टोटल आता है महीने का, एक साल में कितना होता है उसका बाद कितना उधर होना चाहिए। अप्रैल टू मार्च है वो देखना, पॉजिटिव सीजन रहते हैं जो स्पेशल आते हैं, और स्टेट में अलग अलग फंक्शंस रहते हैं उसके हिसाब से बजट करना है। ये अकाउंट से उसका पास होते बाद फूड एंड बेवरेज मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव्स आर फोकस्ड ऑन ग्रोथ मार्केट डिपेंडिंग प्राइसिंग प्रेशर ऑन एक्सपेंसेस, सो यू हैव टू मेक योर कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट रिपोर्ट। अब आ रहा है वर्क एरिया क्लीनिंग शेड्यूल। अपना जो भी काम करते एरिया सब क्लीनिंग रहना मांगते हैं, उसके है वर्क एरिया मस्ट बी स्मूथ, एरियर फ्लोर कैसे रहना मांगता सब कुछ उसका है। ये फॉर्मेट देके आपको बना सकते हैं क्लीनिंग का, प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट।
high standard of sanitation in all food and beverage outlets. Abhi cleaning. Cleaning is the removal of soil, food, disinfection, a progress that reduces the number of bacteria to be a safe level, for example using heat or bleaching. Cleaning equipment. And chemical chemical कैसे यूज करना है उसके बारे में, किधर रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, कंटामिनेशन नहीं होना फूड का, क्लीनिंग इक्विपमेंट्स, मॉप होगा, वाइपर, ब्रूम वगैरह, कैसे मेंटेन करना है उसका बारे में, इसको ऑडिटिंग रहना मुझे, हाइजीन प्रोग्रेस का बारे में रेगुलरली चेकअप, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का, ये पूरा करना मुझे, नहीं तो रिकॉर्ड से रखे फायदा नहीं है, काम करना है। थ्री मंथ्स एडिशनल एक्सटर्नल ऑडिट वेडिट होने मुझे, तो बाहर से जो भी हो किसी आदमी से इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट को बुला के हाइजीन स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालने का वो डॉक्यूमेंटेशन करना मंद है। अभी एक वीकली क्लीनिंग शेड्यूल है, मंडे क्लीनिंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वाटर बॉयलर, हॉट केस, बर्न मेरी, ओवन, मसाला ग्राइंडर, स्टीमर, बेकरी, ब्रेड स्लाइसर, डो मशीन, वेजिटेबल स्लाइसर, ट्यूसडे क्लीनिंग ऑफ, स्पेशल क्लीनिंग है, डेली हर जगह क्लीन रहना मिलते, ये स्पेशल क्लीनिंग का वो सेपरेट फॉर्म रखे करने का है। कुकिंग रेंज, गैस रेंज, सब वेनसडे का क्या करना है, एसओस फूड क्लीनिंग एंड सीलिंग, थर्सडे क्लीनिंग हफ्ते के किचन, स्पेशल क्लीनिंग होते वो फ्राइडे का, सैटरडे का, संडे, फूड वॉश एंड डिश वॉश एरिया संडे में रहता है, डेली चेकलिस्ट,